नमस्कार, आप देख रहे हैं पूछता है उत्तराखंड, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। देवभूमि उत्तराखंड में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई थम नहीं रही है। अभी कुछ दिनों पहले ही हल्द्वानी के भनमुलपुरा के लोगों की मुश्किलें प्रशासन ने बढ़ा रखी थी और अब देहरादून के विकास नगर में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल इन दिनों प्रशासन शक्ति नहर के किनारों पर जल विद्युत निगम की जमीनों को खाली कराने का कार्य कर रहा है। जेसीबी की मदद से निगम की जमीनों को खाली कराया जा रहा है। प्रशासन की इस कार्रवाई से 600 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। गरीब बेसहारा लोग अब से छुपाने की जगह तलाश रहे हैं, लेकिन ना प्रशासन और ना ही शासन से उन्हें कोई मदद मिल पा रही है। अब इस पूरे मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। सवाल ये है कि आखिर कौन पहले इन लोगों को बसाता और फिर उजाड़ता है, इस पर चर्चा करेंगे, रिपोर्ट भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई थमने का नाम नहीं ले रही है। अगर कुछ दिन पहले की हम बात करें तो हल्द्वानी का मुद्दा काफी गर्माया था। इस मुद्दे को लेकर सरकार को खूब विपक्ष घेरता हुआ नजर आया था। भनमुलपुरा के लोगों की मुश्किलें प्रशासन ने बढ़ा दी थी, हालांकि फिर स्टे लगा, इसके बाद मामला शांत हुआ। अब देहरादून के विकास नगर में भी कुछ ऐसे ही हालात दिखाई दे रहे हैं। दरअसल इन दिनों प्रशासन शक्ति नहर के किनारों पर बसे जल विद्युत निगम की जमीनों पर जेसीबी चला रही है और इस जगह को खाली कराने का काम लगातार किया जा रहा है। प्रशासन की इस कार्रवाई ने 600 से ज्यादा लोग बेघर होते हुए नजर आ रहे हैं और गरीब बेसहारा लोग अब सिर छुपाने की जगह तलाश रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई थम नहीं रही है। अभी कुछ दिनों पहले हल्द्वानी के बनभुलपुरा के लोगों की मुश्किलें प्रशासन ने बढ़ा रखी थी और अब देहरादून के विकास नगर में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल इन दिनों प्रशासन शक्ति नहर के किनारों पर जल विद्युत निगम की जमीनों को खाली कराने का कार्य कर रहा है। जेसीबी की मदद से निगम की जमीनों को खाली कराया जा रहा है। प्रशासन की इस कार्रवाई से 600 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। गरीब बेसहारा लोग अब से छुपाने की जगह तलाश रहे हैं। लोगों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन ना प्रशासन और ना ही शासन से उन्हें कोई मदद मिल पा रही है। मकान टूटे हैं, आप लोग क्या सरकार से गुहार लगाते हैं? कहेंगे अंधी सरकार है, बंधु वाली की सरकार हमारी, हमको इंदिरा हमारा आधार कार्ड ले लो, कहीं का घर चेक कर लो, हम कहीं है, हमारी जमीन है, कहीं हम बसने लाएंगे तो हमें उजाड़ो, हमको नहीं आने, ये बात रखने का भी जगह नहीं, हम कहाँ जाए। आपको बता दें कि उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध बस्तियां बसी हुई हैं। इनमें कई सरकारी जमीनों पर भी लोगों ने कब्जा किया हुआ है। पिछले कई सालों से लोग यहां रह रहे हैं। बिजली पानी और भी तमाम सरकारी सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं। बावजूद इसके प्रशासन अचानक जेसीबी ले जाकर लोगों की आशियानों को एक ही झटके में तोड़ रहा है। वहीं अब इस पूरे मामले में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी का कहना है कि यदि कांग्रेस अपने शासन काल में लोगों को ऐसे ना बसाती तो आज स्थिति ना होती, जबकि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी तानाशाही तरीके से काम कर रही है। विकास नगर में जल विद्युत निगम की जिस जमीन पर सरकार ने अतिक्रमण के नाम पर कार्रवाई की है, वहाँ पर वो सैकड़ों लोग लगभग 60-70 वर्षों से रह रहे थे। उनकी दो दो पीढ़ियां वहाँ पर निकल गई और उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा और लालन पालन वहीं पर हुआ। बिना नोटिस के सरकार ने उन लोगों पर जो कहर बरपाया है, ना तो उनके विस्थापन की कोई योजना उनको बताई गई, ना उनको अतिक्रमण के बाद सरकार ने कोई मुआवजा दिया और सीधे बुलडोजर उनके सिर पर तान दिया गया। आज वो बेघर दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं। आखिर सरकार की तानाशाही कब तक चलेगी? कब तक बेघरों को इस सरकार के राज में जो है प्रताड़ना झेलना पड़ेगी? आखिर सरकार की कोई नीति भी होनी चाहिए। अगर बेघर गैर कानूनी रूप से वहां बसे हैं तो सरकार को ये तय करना चाहिए कि आखिर वो लोग वहां बसे कैसे हैं, उनके पुनर्नियोजन की और विस्थापन की कोई ना कोई नीति तो होनी चाहिए। देखिए, जहाँ भी अतिक्रमण होता है, अतिक्रमण दूसरे की जमीन पर कहलाता है और हर सरकार का उत्तरदायित्व होता है कि चाहे वो राज्य संपत्ति हो
चाहे किसी की गैर संपत्ति हो, जहाँ थोड़ा उसके बारे में एक नीतिगत निर्णय के आधार पर कानून की तरीके से ही अतिक्रमण हटाए जाते हैं। इसमें सरकार कहीं दोषी नहीं होती है। ये ठीक है कि कांग्रेस के लोगों को जब वो चीज़ें जिस समय शुरुआती दिनों में वो सब चीज़ें हो रही थी, अगर उस समय पर उन लोगों को रोक दिया जाता तो शायद आज स्थिति निर्माण नहीं होती। ये ठीक है कि सामाजिक नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, हमारे उत्तराखंड नागरिक हैं, उनके बारे में प्रधानमंत्री आवास है किसी स्थान पर ठीक प्रकार से रहने की व्यवस्था जो बनाने की बात आएगी तो जो बीपीएल श्रेणी में उनको हम करते ही हैं उनको भी देंगे। कुल मिलाकर अवैध अतिक्रमण होना कोई नई बात नहीं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कौन इन लोगों को बसाता है? आखिर ये जल विद्युत निगम, ये रेलवे कहाँ इतने सालों तक सोए रहते हैं जो इन्हें अपनी ही जमीनों पर अवैध अतिक्रमण नहीं दिखाई देता? आखिर क्यों सरकार कोई ऐसी नीति नहीं बनाती जिससे सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण भी ना हो और लोगों को उजाड़ा भी ना जाए? देखना होगा कि सरकार इस दिशा में क्या कुछ करती है। तो हल्द्वानी के बाद अब देहरादून के विकास नगर में लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोगों के आशियानों पर बुलडोजर चल रहा है, जेसीबी चल रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो जमीन है उसमें अवैध तरीके से लोग बसे हुए थे जिसे अब खाली कराया जा रहा है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। सत्यवीर चौहान साहब हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी से, आशीष नौटियाल साहब कांग्रेस से, वही उमा सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ी है आम आदमी पार्टी से। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सत्यवीर जी, हल्द्वानी का मुद्दा अभी जैसे तैसे थमा था, जब स्टे लगा उसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली, अब देहरादून का विकास नगर, क्यों आखिर क्यों जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है जब पता है कि ये जमीन अवैध है? ये जमीन जो है वो नगर निगम की है, जल विद्युत विभाग की है, तो फिर इन लोगों को बसाया क्यों जाता है? क्या आम जनता की गलती है कि वो इतनी रकम लगाकर या पाई पाई इकट्ठा करके आशियाने को खड़ा करता है? काजोल जी आपको प्रणाम और आपके दर्शकों को प्रणाम। काजोल जी आपने बिल्कुल सही व्यक्ति को आज अपने चैनल पे आमंत्रित किया है। जिस जगह पे ये सब कार्रवाई चल रही है प्रॉपर मैं उसी जगह से रहने वाला हूँ। उसी शक्ति नहर के किनारे मेरा घर है, मगर मेरा जो घर है वो हमने जमीन पे लिया है। और जो भी कांग्रेस के प्रवक्ता जो शशिपाल जी कह रहे थे 60-70 सालों से वो वहां लोग रह रहे थे, मैं आपको बता दूं 41 साल हमको वहां पे रह गया। 40 साल से पहले वहां पर एक भी व्यक्ति उधर नहीं रहता था। ये कुछ ही दिनों से पिछले 10-1 सालों से सारा अतिक्रमण देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अतिक्रमण है तो अतिक्रमण को हटाया जाएगा और ये सरकार का दायित्व तो बनता है और उत्तरदायित्व तो बनता है, और जितना जल्दी इसको पूरा कर लिया जाए उतना ही प्रदेश के हित में होता है। और हमारी सरकार ने कठोर एक्शन लेते हुए इन सब पे कार्रवाई करी है जो कि कई दशक। अच्छा मैं दूसरा एक काजोल जी आपको बताता हूँ, जो आज ये लोग सारे रो रहे हैं ना, इनको कम से कम 3 साल पहले डिमार्केशन करके ये कहा दिया गया था कि जमीनों को खाली करिए, ये जमीनें आपकी नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि जो इन्होंने इतने सालों तक इस पर रहे इससे भी इनका रेंट वसूल किया जाता, वो नहीं करते हुए हमने 3 साल पहले डिमार्केशन किया था कि यहां से चले जाइए। और जब इस तरह की बस्तियां बसती है, बड़े ही धैर्य के साथ और एक सत्तारूढ़ व्यक्ति होने के नाते मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब इस तरीके से अवैध बस्तियां बसती है तो इसमें तमाम तरह की वो गतिविधियां होती है जिसको कि हमारी इंटेलिजेंस को भी खतरा रहता है कि किस प्रकार की अतिक्रमण जो हो रहा है वहां पर किस प्रकार की गतिविधियां चल रही है, ये आइडेंटिफाई नहीं होता कि कौन कहां से आके बसा है। मगर जैसे हमने जो सड़क रहने वाला हूं, हमने विकास नगर में जमीन ली, कौन कहां से आके बस रहा है? सरकारी सुविधाएं मिलती है, पानी मिलता है, बिजली मिलती है। सत्यवीर जी कैसी बातें कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई नहीं हो पाते लोग कि कहां से आकर बस रहे हैं। सुन लीजिए अरे सुन लीजिए, तमाम जब चुनाव के समय आता है तब इस प्रकार से देखा जाता है कि ये लोग कहां से आके बसे। सत्यवीर जी जी आप मेरे को सुन पा रहे हैं? जी सत्यवीर जी मैं सुन पा रही हूँ आपको। काजोल जी मैं कहना चाहूंगा, काजोल जी मैं उस प्रॉपर क्षेत्र से रहने वाला हूँ। तमाम मेरी
आप सुन लीजिए, मैं प्रॉपर उस क्षेत्र से रहने वाला, उस पूरे क्षेत्र को एक एक क्षेत्र को जानता हूँ, भीमावाला से लेके ढालीपुर से लेके ढकरानी से लेके आसान बैराज से लेके नवाबगढ़ से लेके वो तमाम नदी के किनारे, पूरे के पूरे नदी के किनारे जिस प्रकार से वो इरिगेशन की जमीन थी उसको कब्जाया गया, उसका जो अतिक्रमण है उस अतिक्रमण को हटाया गया। और ये कह के कि आपने इतने इतने सालों तक यहाँ पर अतिक्रमण किया है, 3 साल पहले उस पर डिमार्केशन किया गया था, उस डिमार्केशन के बाद भी अगर जब वो हटे नहीं उनका, तब उसके बाद सरकार को उत्तरदायित्व बनता है कि उस चीज को, अपनी जमीन को खाली किया जाए। अगर मैं कल की डेट में अपने घर से कहीं चले जाता हूँ ताला लगा के, इसका यह अर्थ नहीं होता कि मेरे बगल वाला उसने आके अतिक्रमण कर लिया तो उसको कुछ भी ना कहूं। सरकार ने अपना जो दायित्व था, उत्तरदायित्व था, राज्य धर्म था, उसका पालन करते हुए उनको अलग किया। और दूसरा यह है कि उस जमीन का सदुपयोग किया जाएगा, उसके सरकार आने वाले समय में चाहे जिस प्रकार से उसी क्षेत्र में, आपको बताता हूं, उसी क्षेत्र में जो खाली जमीन है थी जिसपे अतिक्रमण नहीं हुआ था वहां पर सोलर प्लांट लगाए गए, उस सोलर प्लांट से जो बिजली पैदावार हो रही है राज्य के हित में काम आ रही है, लोगों के काम में आ रही, सब्सिडी के माध्यम से दी जा रही लोगों को। अब वो जो खाली क्षेत्र, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में वो भी अच्छे इसी पर्पज से यूज किया जाएगा। सरकार की जमीनें हैं, एक व्यक्ति पूरा अपना पैसा लगा के सरकार के जो नियम है उसके अनुसार चल रहा है, और एक व्यक्ति है कि आके वो पूरा का पूरा अतिक्रमण कर रहा है उस प्रकार। और सुनो, मैं और आपको बताता हूँ, उस नदी के किनारे जितने के जितने अवैध तरीके के काम हो रहे थे वो सारे के सारे काम एक ही चक्के में सारे बंद हो गए। सारे के सारे जो लोग उधर दुखी थे, हम जैसे लोग उधर दुखी थे, वो सारे के सारे लोग वहां पर। ठीक है, ठीक है, आपके पास वापस लौटूंगी। आशीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। आशीष जी, अगर बात की जाए देहरादून के विकास नगर की, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, शक्ति नहर के किनारे जो है ये पूरी बस्ती बसी हुई है, सरकार कह रही है कि अवैध तरीके से बस्ती बसी हुई है, जो लोग हैं अवैध तरीके से बसे हुए हैं, इसलिए अपनी जमीन को वापस निगम पा रहा है, इसीलिए कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार में गलत तरीके से ऐसे लोगों को बसाया गया है, इसी वजह से इसमें लोगों की गलती नहीं है, जो सरकार रही है गलती उसकी है। मैडम, गलती तो पूरी कांग्रेस की है ही, जिसने देश आजाद करा दिया, आज हम लोग आजाद देश में रह रहे हैं, तो गलती तो सारी उसके ऊपर ही डाल दो। आप बताएं, भाजपा के शासन में गरीब को जीने का अधिकार नहीं है क्या? आप बताएं, आज जो जमीनों के रेट है, आम आदमी क्या रजिस्ट्री की जमीन ले सकता है? जब सरकारी जमीनें होती ही इसलिए हैं कि वो उनके पट्टे सूखे जाए और उनमें एक आम व्यक्ति रह सके। और आपको मैं मोदी जी का 19 का भाषण बताना चाहूंगा, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि 2022 जब खत्म होगा और 75 साल आजादी के हम मना रहे होंगे, तो सबको अपना, आपने अगर उनका भाषण आप यूट्यूब पे देखिएगा मैडम, किस तरीके से उन्होंने बोलता कि सबका अपना घर होगा, और ऐसा कांग्रेस की तरह नहीं, घर में अपना नल होगा, नल में जल होगा, बिजली होगी, पानी होगी, इस तरीके से वादे करके भाजपा ने सरकार बनाई। और आज आप देखें किस तरीके से लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं। गरीब आदमी शुरू से पट्टे की जमीन में रहता है, और पैसे वाला आदमी हमेशा उसका विरोधी होता है। जो रजिस्ट्री की जमीन में रहता है वो हमेशा चाहता है भाग जाए, ये मोहल्ला खत्म हो जाए, लोग खत्म हो जाए। आप बताएं मैडम, आप रातों रात उनके यहाँ बुलडोजर चलाते हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? क्या मकान इतने सस्ते हैं, कहाँ मकान लेंगे? और ये तो मोदी जी का वादा है कि हर गरीब आदमी पे अपना घर होगा, छत होगा, नल होगा, जल होगा, गैस पाइपलाइन होगी, ये तो उनका वादा है। आप किस तरह काम कर रहे हैं? आप मकान तो दे नहीं पा रहे हैं, साथ में लोगों के मकानों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। आप देखिए तानाशाही किस तरह बढ़ चुकी है। आज विपक्ष का नेता जो प्रधानमंत्री का दावेदार है उसको संसद से उठा के बाहर फेंक दिया गया। उसका जुर्म क्या था? सिर्फ ये बोलना कि हर चोर के आगे मोदी क्यों लगा होता है। क्या मोदी जी ने कभी गलत नहीं बोला? क्या मोदी जी ने कभी भाषण नहीं दिए? क्या मोदी जी ने जर्सी गाय नहीं बोला? क्या मोदी जी ने, ठीक है, सोनिया गांधी जो क्या सब नहीं बोले, उसके बाद उनको आज निकाल कर बाहर खड़ा कर दिया आपने कि ना प्रधानमंत्री के लायक ना संसद के लायक। किस तरह आप लोग सरकार चला रहे हैं? सिर्फ तानाशाही से काम नहीं चलेगा। आप लोग अगर आज देखे ईडी सीबीआई सब लगाई, जब देखा कुछ नहीं मिला तो चलो कोई बात नहीं, इस नाम पे फंसा दो, इन्हें निकालना तो बाहर है। इस तरह तानाशाही से देश नहीं चलता है। देश को समझना होगा कि तानाशाह लोगों के हाथ में सरकार दे रखी है। आने वाले टाइम पे निश्चित ही मैडम, यकीन मानिए, गरीब लोगों को खत्म करने का काम सरकार, भाजपा सरकार करेगी और कर रही है। ये हम सब देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, और इस चैनल के माध्यम से जनता भी देख रही होगी और समझ रही होगी। ठीक है आशीष जी, ठीक है, ठीक है। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म हो गई है, और उसका जो दुख है, उसकी जो बौखलाहट है, वो साफ तौर पर नजर आती है। उमा जी,
अभी अगर हम धामी सरकार की बात करें तो एक साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, बहुत सारे कार्यक्रम रखे गए और सरकार ने अपनी उपलब्धियां भी गिनवाई हैं, अपनी उपलब्धियों का बखान भी खूब किया है, लेकिन जैसा कि लगातार हम कह रहे हैं कि आखिर वो सरकार कौन सी है जिसने इन लोगों को बसाया था। ठीक है, क्या लोगों को पता था कि ये जमीन अवैध तरीके से यहाँ पर अर्जित की गई है या फिर अवैध जमीन पर वो अपना मकान बना रहे हैं? अगर तस्वीरों को हम बात करें तो तस्वीरों को देखकर ये कहा जा सकता है कि कोई झुग्गी झोपड़ियां नहीं है, पक्के मकान लोगों ने बनाए हैं, यानी कि अपनी कमाई का एक एक रुपया इसमें लगा दिया गया है। अब जेसीबी की मदद से उसे गिराया जा रहा है, इसमें कसूर किसका है? क्या उस आम इंसान का जिसने अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई इस मकान को बनाने में लगा दी हो, या उस सरकार का जिसकी सरकार में लोग बसे हैं, या उस सरकार का जो अब इस जमीन को खाली करा रही है? देखिए, इस समय हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या, हम लगभग 1.5 अरब के आसपास हम लोग पहुंचने वाले हैं और अनऑफिशियल रूप से हम विश्व की सबसे ज्यादा संख्या वाले देश हो चुके हैं। ये और घरों की जो एक बड़ी प्रॉब्लम है कि ये जो 1.5 अरब हमारी लगभग आबादी है, ये कहाँ पर बसेगी? क्या सरकार की कोई नीति है? हम लोग किन मुद्दों में उलझे हुए हैं? सबसे पहले सोचने की बात ये है, आप ही देखिए, आपके 303 सांसद आपके इस समय लोकसभा में हैं और आपके देश के बहुसंख्यक हिस्सों में बीजेपी की सरकारें हैं, हम धामी सरकार यहाँ पर है। क्या किसी भी सरकार ने आवास की समस्या को का उपाय खोजने की कोशिश की? गरीब आदमी तो देखिए पलायन करके अपने गांव के छोटे से जगह से निकल के शहर में आता है क्योंकि उसको गांव में रोजगार नहीं मिलता। सबसे पहले फेलियर तो ये कि हम अपने गांव को रोजगार परक नहीं बना पाए अभी तक, हमारी आबादी को गांव में रोजगार नहीं मिलता, सबसे पहली प्रॉब्लम। वहां से वो गरीब आदमी निकल कर आता है शहर में रोजगार की लालच में, उसके बाद यहाँ आकर जैसे तैसे हम लोग वो कोई कुछ भी रोजगार करता है, छोटा मोटा रोजगार करता है, अपना पेट पालने की कोशिश करता है, अपने परिवार को सामर्थ्यवान बनाने की कोशिश करता है। उसके बाद रोल शुरू होता है कि जब उसको यहाँ रहने के लिए एक अदद घर की आवश्यकता होती है, पहले तो वो एक कमरे का कहीं किराए पे लेके वहां पड़ा रहता है, उसके बाद उसको एक अदद घर की आवश्यकता होती है, तब रोल आता है नेताओं का और छुटभैया नेताओं का। उसके बाद नेता लोग जो है वो, मैं बिल्कुल साफ बोल रही हूँ, इसमें कांग्रेस और बीजेपी सभी नेतागण शामिल है, उसके बाद जो नेताओं के जो नीचे के जो छुटभैया नेता होते हैं वो जमीनों पर कब्जा करते हैं और 20-20 हजार 50-50 हजार में 10x20 10x25 के वहां पर वो बांट देते हैं, उनको मतलब प्लॉट काट देते हैं और उनको कहा जाता है बकायदा यहाँ से तुम्हें कोई नहीं हटाएगा, कोई अगर तुम्हें कुछ कहे तो हम बैठे हैं, चिंता मत कर, अपना मकान बना। ये होता है यहाँ पे। अगर मैं रायपुर की बात करूँ तो उमेश शर्मा काऊ जी ने जितने नदी नाले उन्होंने बसवाए हैं सबको मालूम है, गणेश जोशी जी ने मसूरी विधानसभा में जितने बसवाए हैं सबको मालूम है, खुद उनको भी मालूम है, पूरी जनता को मालूम है, लेकिन किसी भी नेता के ऊपर, किसी भी सरकारी अधिकारी के ऊपर, उन अधिकारियों पर जिन्होंने कि इनको बिजली के बिल दिए, उन अधिकारियों के ऊपर जिन्होंने पानी का कनेक्शन लगाया, क्या गाज गिरेगी? क्या आपको पता है क्या उन अधिकारियों को सस्पेंड किया जाएगा कि अवैध बस्तियां थी, आप लोगों ने यहाँ पर सरकारी पोल कैसे लगा दिए, पानी की पाइपलाइन कैसे बिछा दी? तो खाली अकेला गरीब दोषी नहीं है, पूरे सिस्टम का दोष है, पूरे सिस्टम का दोष है इसमें। इस पूरे दोष में अगर कोई मरता है आखिरी में, जब ये सरकारी जमीनें खाली कराई जाती है, मैं जमीन के खाली कराने का विरोध नहीं कर रही हूँ, अतिक्रमण हुआ है उसको खाली कराया जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक गरीब के ऊपर सजा नहीं मिलनी चाहिए, उन नेताओं के ऊपर, उन अफसरों के ऊपर भी सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने कि इनको यहाँ पे बसने दिया, उस निगम को भी सजा मिलनी चाहिए जिसकी ये जमीनें हैं कि भाई तुम्हारे अधिकारी कहाँ सो रहे थे जब इनके ऊपर अतिक्रमण हो रहा था। एक बार कलेजा खड़ा करके धामी सरकार 2-4 लोगों को सस्पेंड तो करे, जरा 2-4 अपने मंत्रियों को किनारे तो बैठाए, तब कहीं जाके हम कहें कि हाँ भाई धामी जी ने कुछ किया। गरीबों का आशियानों पे बुलडोजर चला देना सबसे आसान काम है, सबसे इजी। सतवी जी, उमा जी ने बहुत ही बेहतरीन बात कही है कि हाँ, पानी की पाइपलाइन आखिर क्यों बिछाई गई, किसने बिछाई है, बिजली के पोल क्यों लगाए गए, सरकारी पोल क्यों लगाए गए हैं, सवाल ये भी है निगम के अधिकारी कहाँ सो रहे थे जब उनकी जमीन पर अवैध अतिक्रमण हो रहा था, उन पर गाज कब गिरेगी? गरीब का आशियाना तोड़ देना तो सबसे ज्यादा आसान हो जाता है, लेकिन उन अधिकारियों पर गाज गिराना, उन अधिकारियों को साइडलाइन करना, ये सबसे बड़ा सवाल है कि वो कब होगा। सत्यवीर जी, शायद सत्यवीर जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आशीष जी, मैं आपका रुख करूंगी। सरकारें आई, सरकारें गई, सरकार अब भी सत्ता में है बीजेपी की,
अब अवैध अतिक्रमण उत्तराखंड के कई जगहों से, इससे पहले हमने हल्द्वानी भी देखा था, हालांकि वहां स्टे मिल गया लोगों को तो वो खुशी लोगों के चेहरों पर नजर आ रही है, लेकिन इस पूरे मामले पर आगे क्या होगा ये तो खैर कोई नहीं जानता, लेकिन सवाल ये है कि यहां पर सरकारी सारी सुविधाएं मिल रही हैं, उसके बाद फिर अतिक्रमण कैसे हो जाता है, वो अधिकारी कैसे चुप बैठ जाते हैं। ये निश्चित है, रायपुर विधानसभा के अंदर उमेश शर्मा काऊ जी ने अतिक्रमण करवाया। अगर आप कैंट विधानसभा की बात करें तो वहां माननीय हरबंस कपूर जी ने अतिक्रमण करवाया था, गढ़ी कैंट के अंदर गणेश जोशी जी ने अतिक्रमण करवा था। निश्चित है ये सब दिखता है और है, ये सच्चाई है। लेकिन देखें, वो जो हो गया वो तो हो गया, एक गरीब का आशियाना तोड़ना किसी भी हद तक सही नहीं, और वो भी तब जब हमारे ऐसे प्रधानमंत्री जी सत्ता में है जिन्होंने कहा था 2022 तक सबके पास अपने अपने मकान होंगे, यानी जिन पे नहीं थे उन पे भी होंगे, और यहां तो मकानों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। किस तरीके से आप लोग शासन चला रहे हैं, आपको गरीबों की परवाह कहां है? देखें ये कोई तरीका नहीं है, अगर उनके मकान थे उनको या तो मकान बना के दिया जाए या उनके लिए व्यवस्था की जाए। किस तरह रो रहे हैं लोग, आप देखिए महिलाएं किस तरह रो रही है। अरे पीड़ा नाम की कोई चीज है भाजपा वालों के अंदर की नहीं है? जहां देखे जो गलत काम होता है निश्चित तौर पे वहां भाजपा का आदिम पाया जाता है। भाजपा के लोगों का काम ही यही रह गया है किस तरीके से दूसरों के घरों को उजाड़ा जाए, किस तरीके से इस तरीके की अंकिता हत्याकांड जैसी घटनाएं राज्य के अंदर हो जाती है, और उस वीआईपी का नाम बचाने के लिए पूरा प्रदेश कहता है कि उस वीआईपी का नाम क्या है, पर भाजपा के मंत्री एक बार निकल के नहीं बोलते कि हमें भी उसका नाम चाहिए। क्यों नहीं बोलते वो, उन्हें भी नाम मांगना चाहिए। क्या पता वो नाम किसी दूसरी पार्टी के लोगों का हो, जरूरी है वो भाजपा का ही आदमी है, क्या पता वो किसी और पार्टी का हो। आप नाम उजागर करने के लिए किसी भाजपा वाले ने जोर जबरदस्ती नहीं करी, ना बोला ना कुछ कहा। आज विपक्ष पूरा एक मांग करता है उत्तराखंड का क्यों नहीं किया जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की सारी बातें सब झूठ साबित हो रही है, आम जनता के हित पे कोई काम नहीं हो रहा है। जुमलेबाजी दिखावा इसके अलावा कुछ नहीं। कांग्रेस के कुछ अगर हम नेता कहें, अगर अपने समय पर इस तरह के अवैध लोगों को नहीं बसाते अवैध तरीके से, तो शायद आज हालात ये नहीं होते। कहां से आए मैडम अवैध लोग? अवैध लोग कहां से आए? कोई दूसरे देश से आ रखे हैं क्या? ये लोग पाकिस्तान से आ रखे हैं? कहां से आ रखे हैं लोग? कैसे इंडिया के अंदर आए? आप बताएं कहां के लोग हैं, अवैध कहां के लोग हैं? क्या उनका कागज चेक नहीं हुए? भारत के निवासी होंगे जरूर, निश्चित जो लोग बसे हुए भारत से बाहर के नहीं है, और गरीब आदमियों के लिए सरकार की व्यवस्था है और शुरू से व्यवस्था है, कांग्रेस शासन काल की व्यवस्था है। पट्टे दिए जाते हैं थे और दिए जाते हैं और फंसाने का काम सब करते हैं, लेकिन अब जब बात आई तो सिर्फ गरीब का आशियाना तोड़ने की बात हो रही है, उसको घर देने की बात नहीं की जा रही। आपने कहा कि इस तरह बसाने का काम हर कोई करता है, यानी आप ये एडमिट करते हैं कि हाँ कांग्रेसी सरकार में अवैध पट्टे दिए गए, कांग्रेसी सरकार में पट्टे दिए जाते थे, कब नहीं दिए गए शुरू से, और लोग ऐसे ही मकानों में रहते थे। इस आदित्य मैडम इतना पैसा नहीं है रजिस्ट्री के मकान में हर कोई रहेगा, पट्टे के मकान होते हैं, समाज कल्याण की जमीनें होती है इनकी, वो दिए जाते हैं, इस तरह होता है काम। ठीक है उमा जी कुछ कहना चाह रही हूँ। उमा जी मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगी, काजोल जी शायद आपको मालूम नहीं है, हमारे यहाँ जब एक तरह से नसबंदी आंदोलन चला था 70s में, तब ये कहा गया था कि जो महिलाएं नसबंदी कराएंगी उनको जमीनों के पट्टे दिए जाएंगे, और बहुत बहुत महिलाओं ने नसबंदी कराई। और ये आप सरकार की प्रमोशनल स्कीम कहिए या लालच कहिए, जो भी है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए ये स्कीम निकाली गई थी। आपको याद होगा कि जब हल्द्वानी में जब जमीनों को क्या अतिक्रमण तोड़ा जा रहा था, तो महिलाएं उस स्कीम के तहत मिले हुए अपने जो को दिखा रही थी कि भाई हम तो इतने सालों से यहाँ पर बसे हुए हैं 50 साल से, और हमें इस स्कीम के तहत सरकार की तरफ से ये जमीन मिली, अब हम अवैध कैसे हो गए। सबसे बड़ी बात ये है कि आज आपके 47 विधायकों के साथ आप सत्तासीन हैं, आप कोई सही पॉलिसी बनाने की बजाय सबसे आसान काम कर रहे हैं अपनी जमीन खाली कराने का, कि उठाइए बुलडोजर और तोड़ दीजिए। सवाल यही है लोग जाएंगे कहां? आप जेसीबी के माध्यम से घरों को तो तोड़ रहे हैं, जमीन खाली करा रहे हैं, लेकिन ये लोग जाएंगे कहां, जिन लोगों को यहाँ बसाया गया है, जो लोग यहाँ रह रहे हैं, जिनके बच्चे यहाँ के स्कूलों में पढ़ते हैं, जो यहाँ नौकरी कर रहे हैं, वो कहां जाएंगे? सवाल ये हो जाता है। सत्यवीर जी जवाब दीजिए। काजोल जी मैं सबसे पहले आपको कहना चाहूंगा कि जो आप बार बार मुद्दा उठा रहे हैं कि बिजली पानी तमाम विषयों पे आप बात कर रहे हो, मैं कहना चाहूंगा कि जब डीरी डैम बना और लोहारी बांध बना उनके यहाँ तो प्रॉपर कागज के अनुसार थे, जब उन प्रभावितों को खासकर जिनकी जमीनें थी उनकी तो अपनी जमीनें थी,
उनको छोड़ के जाना पड़ा। मगर जो ये दूसरी बात, एक और बात आई यहाँ पर, पट्टे की जमीन कभी निगम की जमीन नहीं होती है। पहले ये तय कर ले कि निगम और पट्टे में क्या अंतर होता है। निगम की अपनी जमीन है और उस जमीन को खाली कराना है, किसी पट्टे की जमीन को खाली कराया है। और निगम की जमीन है, वो अपनी जमीन को किस प्रकार से पट्टे की जमीन है निगम के अंदर। सत्यवीर जी आपको शायद नॉलेज नहीं होगा, रायपुर विधानसभा के अंदर पट्टे की बहुत जमीन है और जो उससे नगर निगम के अंदर आती है, बहुत सारी जमीन है। सरकारी जमीनें थी, सरकार ने दी। और जिस प्रकार अभी उमा मैडम ने बताया कि ये नसबंदी केस के तहत जमीनें दी गई, जो आज भाजपा कहती है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया आबादी रोकने के लिए, जनसंख्या रोकने के लिए, कांग्रेस ने तो बहुत बड़ा काम किया है। आप लोग कर रहे हैं ऐसे आबादी रोकने के लिए, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद वो चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात हो रही थी हल्द्वानी के बाद देहरादून के विकास नगर की, जहां पर शक्ति नदी के किनारे बसे जो कि अवैध बताए जा रहे हैं, कि अवैध तरीके से लोग बसे हुए हैं, उन जमीनों को खाली कराया जा रहा है। जल विद्युत निगम जो है वो कह रहा है कि हमारी जमीन है, हम इसे खाली करा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने सालों से लोग यहाँ रह रहे हैं, बिजली का बिल भर रहे हैं, पानी यहाँ पर पहुंच रहा है, सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो फिर ये अवैध तरीके से कैसे बसे हैं? क्या सिर्फ लोगों के घर तोड़ देने से, जमीन खाली कराने से अतिक्रमण हटाना गलत नहीं है, लेकिन उन लोगों पर कार्रवाई कब होगी जिन अधिकारियों ने इन्हें बसाया है? जिन अधिकारी सोए हुए थे, जो अधिकारी कुंभकर्णी नींद जब यहाँ पर लोग बस रहे थे, उन लोगों पर एक्शन कब होगा? फिलहाल तो इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।